नमस्कार, आप सभी का कैसे? आप सब आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे सकारात्मकता के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बात करूंगी आपको पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा जो कि है हनुमान जयंती वाले दिन, यानी कल के दिन। कल के दिन बहुत ही खास एक योग बन रहा है, जिसको हम सर्वार्थ सिद्धि योग बोलते हैं। और इस योग में किया गया हर तरह का उपाय 100% फायदा देने वाला होता है। हनुमान जयंती हर समय पूर्णिमा में ही पड़ती है, क्योंकि बजरंग बली का जो जन्म है वो पूर्णिमा वाले दिन ही हुआ है। तो आपको कौन से ऐसे खास उपाय करने हैं जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, आर्थिक समस्याएं आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, हनुमान जी बजरंग बली प्रसन्न हो और आपको इन उपायों को करके 100% लाभ मिले, बेनिफिट मिले। तो चलिए आज बात करेंगे इस बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को नहीं लाइक किया है, नहीं शेयर किया, नहीं सब्सक्राइब किया, या फिर इंस्टाग्राम में एस्ट्रो पूर्णिमा में आपने फॉलो नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में आपने फॉलो नहीं किया, तो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे तक ये चीज़ें पहुँचे, लाइफ में आपको बेहतर चीज़ें देखने को मिले। तो आज मैं आपको खास बताने वाली हूँ ऐसे कौन कौन से खास उपाय हैं जो पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी को आप अपने घर पर बुला सकते हैं, स्थिर रूप से माता का वास आपके घर पर हो सकता है। तो चलिए बात करती हूँ उन उपायों के बारे में। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो सुबह उठिए, उठकर आपको गंगा जल से स्नान करिए, करके पीपल के वृक्ष के पास जाइए, वहाँ पर कच्चा दूध थोड़ा सा उसमें मिश्री ले लीजिए, लेकर 7 परिक्रमा पीपल की करिए और उस जल को वहाँ डाल दीजिए, अपनी मनोकामना कहकर आइए, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, करके आप घर पर आए। आज के दिन अगर आप आर्थिक परेशानी से दूर होना चाहते हैं तो आपके घर पर अगर बजरंग बली है तो कच्चे दूध में 1-2 केसर के थ्रेड्स डालकर बजरंग बली को ज़रूर दीजिए, भोग के रूप में उनको लड्डू ज़रूर दीजिए। ये जो साल है ना, ये साल जो है मंगल का साल है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के डीलिंग्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के दाम भी बढ़ेंगे, घर बनाने का सपना भी पूरा होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, आग लगने की घटनाएं या फिर एक्सीडेंट्स की घटनाएं या फिर भाई भाई में मतभेद की घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होना भी निश्चित रूप से तय है। तो माता की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है आज के दिन, तो आपने पीपल का जो उपाय किया है उसके बाद आपको केले की जड़ की भी पूजा करनी है। केले की पेड़ की पूजा करेंगे, केले का जड़ अगर कहीं से आपको मिल जाए, केले का पौधा का जड़ अगर कहीं से मिल जाए तो उस जड़ को ले लीजिए और उसको आप पीले कपड़े में रखिए, थोड़ी सी हल्दी की 1-2 गांठें रख दीजिए उसके ऊपर, रख के थोड़ा सा अरवा चावल या कोई भी चावल साबुत जो कि टूटा ना हो उसमें डालकर लक्ष्मी जी को ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आपको आज के दिन ये ज़रूर करना चाहिए। पूर्णिमा की बहुत सारे लोग अगर पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं, उपवास रखना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा मुहूर्त है, सबसे अच्छा उपाय है और सबसे अच्छी दिन है कि आज के दिन से पूर्णिमा का व्रत उठा सकती हैं। इसके अलावा आज के दिन आपको ज़रूर अपने चौखट पर हल्दी कच्चा दूध मिलाकर छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। घी का दिया अपने चौखट पर ज़रूर प्रज्वलित करें आज के दिन में। आज के दिन आप माता लक्ष्मी को मध्य रात में अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं कच्चे दूध में, चांदी का अगर कोई बर्तन हो, नहीं हो तो स्टील का चलेगा, कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल के ओम चंद चंद्राय नमः कहकर अर्घ्य दीजिए चंद्रमा को, 3 बार वहीं पर परिक्रमा कर लीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी को सुगंधित फूल या फिर गुलाब के फूल ज़रूर अर्पण करें, या फिर कमल का फूल मिल जाए तो वो भी अर्पण कर सकते हैं। आज के रात को अगर बैठ के आप श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा श्रोत्रम का पाठ अगर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। श्री माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इसके अलावा आज के दिन आप अगर माता लक्ष्मी को केसर से बना हुआ खीर और उसमें आपको धागे वाली मिश्री यूज़ करनी है, आपको चीनी का यूज़ नहीं करना, मिश्र से बना हुआ खीर अगर आप माता रानी को चढ़ाते हैं तो माता आपको सदैव प्रसन्न रखेंगी, आपकी जितनी भी पैसों की समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, आर्थिक दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आज के दिन आपको हनुमान जी को भी राम जी का तस्वीर गिफ्ट करना चाहिए। राम जी, श्री राम लिखकर आपको एक पान के पत्तों में 11 आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा झंडा अगर संभव हो तो किसी मंदिर में गाड़ दीजिए, जिससे आप कोर्ट केसेस चल रही होंगी तो वहाँ पे जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज के दिन पीला चंदन बजरंग बली को ज़रूर अर्पित करें। आज के दिन खुद भी तिलक ज़रूर लगाइए। आज आपको गाय का घी का दीपक अपने घर पर प्रज्वलित ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन अगर कहीं मंदिर आपको जाना है तो आप जाइए, जाकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते
सकते हैं तो ज़रूर करिए, नहीं तो वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करके चले आइए। गाय को चारा आज के दिन अगर दे सकते हैं तो यदि उत्तम है, नहीं दे पाएंगे तो रात शाम के समय या थोड़ा रात से भी गौशाला जाकर घी का दिया ज़रूर प्रज्वलित करिए। हरा चारा अपने वजन बराबर भी दान कर सकते हैं या फिर आप चारा नहीं दान कर सकते तो जितना आपका सामर्थ्य उस हिसाब से दान डोनेट ज़रूर करिए गौशाला में जाकर। बंदरे अगर आपको मिल जाए तो बंदरों को अगर आप केला खिलाते हैं आज के दिन तो अति शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा योग होता है अगर आज के दिन कहीं बंदर आपको दिख जाए और उनकी सेवा करने का आपको मतलब उपाय मिल जाए, चीज़ें मिल जाए तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। आज के दिन के बहुत सारे खास ऐसे उपाय हैं, पूर्णिमा का योग सर्वार्थ सिद्धि का योग, इसके अलावा हनुमान जयंती, मैं क्या ही बताऊँ, इतने सारे योग एक साथ जो बन गए हैं इनका आप उत्तम तरीके से लाभ उठाइए, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को ख़त्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि चीज़ें लोगों तक पहुँचे और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में ताकि मैं छोटे छोटे उपाय आप सभी से शेयर कर सकूँ। और हाँ, हनुमान चालीसा का दान अगर संभव हो तो आप ज़रूर दान करिए आज के दिन, 11 हनुमान चालीसा का कम से कम दान अवश्य ही करें। नीडी पीपल जो भूखे प्यासे लोग हैं उनको भोजन जरूर कराइए। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।